नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कक्षा 10वीं और 12वीं में पढ़ते थे और आपकी किसी भी विषय में सप्लीमेंट्री आ गई है तो उसका फॉर्म कैसे भर सकते हैं, उसका जो फीस है वो कितनी लगेगी, सारा कुछ डिटेल्स में बताने वाला हूं। और क्या आपका टाइम टेबल है सब कुछ इसी वीडियो में बता दूंगा कि भाई कब से आपका एग्जाम है, फीस कितनी लगेगी, फॉर्म कैसे भरना है, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए एमपी बोर्ड का जो नोटिफिकेशन है वो मेरे पास आया हुआ है। यहां पर देखिए, यहां पर ये लिखा हुआ है कि भाई 25 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि भाई इसमें कहा क्या जा रहा है। तो यहां पर दिया गया है वर्ष 2023 की हायर सेकेंडरी हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा पूरक परीक्षा एवं हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम द्वितीय अवसर परीक्षा के आवेदन पत्र दिनांक 31 मई 2023 से प्रारंभ होने जा रहे हैं। मतलब कि 31 तारीख से आपके जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब जिनकी भी सप्लीमेंट्री आई हुई है वो 31 तारीख से अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहां पर दिया गया है मंडल द्वारा इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा में बेस्ट 5 योजना के अंतर्गत परीक्षा परिणाम की घोषित किया गया है। बेस्ट 5 पद्धति के तहत यदि छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण होता है और उसका परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण घोषित किया गया है, ऐसी स्थिति में यदि छात्र अनुत्तीर्ण विषय की पूरक परीक्षा देना चाहे तो उसी सत्र की पूरक परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा, ठीक है। इनका कहने का मतलब ये है कि भाई आपकी किसी एक सब्जेक्ट में यहाँ पर सप्लीमेंट्री हुए है और उत्तीर्ण दिखा गया है तो वो अपना एक विषय जो है उसका जो पेपर है वो इसी साल में दे सकता है। 31 तारीख को फॉर्म भराएगा और 15 जून 2023 से परीक्षा स्टार्ट होगी तो वहां पर वो सम्मिलित हो सकता है, ठीक है। पुनर्गणना के फलस्वरूप परीक्षा परिणाम परिवर्तित होने पर इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले छात्र परीक्षा प्रारंभ होने के एक दिवस पूर्व अर्थात 16/7/2023 तक परीक्षा आवेदन भर सकेंगे, ठीक है। इसको आप और भी डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ये जो है मैं आपके पास में इसको डाउनलोड करने का तरीका भी बता दूंगा, ठीक है। पूरक परीक्षा के आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन भरने हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की गई है, ठीक है। आप ये फॉर्म ऑफलाइन नहीं भर सकते, ये जो पूरी प्रक्रिया है ये क्या होगी, ऑनलाइन होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ पर हमें दिया गया है कि भैया इसको पूरा इसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। पूरक पात्र छात्र स्वयं एमपी ऑनलाइन के कियोस्क पर अपनी मुख्य परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पर पूरक विषय के अनुक्रमांक रोल नंबर की जानकारी देकर शुल्क और नगद भुगतान करके वो वहां पर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने लिए नहीं है, आप सीधे सीधे जाइएगा जो एमपी ऑनलाइन पे जो फॉर्म भरने का काम करते हैं उनके पास चले जाइएगा, वो सब कुछ कर देंगे, ठीक है। वो आपको फीस भी बता देंगे, सब कुछ बता देंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई फीस आपकी कितनी लगने वाली है, क्या क्या यहाँ पर होगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं कि भाई आपका कितना क्या फीस रहेगा, ठीक है। यहां पर देखिए दिया गया है प्रति विषय परीक्षा शुल्क हायर सेकेंडरी हाई स्कूल नियमित स्वाध्यायी, ठीक है। जो बच्चे नियमित हैं और जो प्राइवेट हैं उनके लिए एक विषय का जो पैसा लगेगा वो लगेगा 350 रुपये, ठीक है। इसके बाद में परीक्षा शुल्क हायर सेकेंडरी व्यवसायिक, ठीक है। यहां पर दो विषय तक जो है वो आपका 350 रुपये लगेगा, चार विषय तक 500 रुपये लगेगा और इसके बाद में चार से अधिक विषय तक 600 रुपये लगेगा, ठीक है। ऑनलाइन क्यूस्क संचालक को देय शुल्क उक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त 25 रुपये आपको अलग से देना पड़ेगी, मतलब जो ऑनलाइन जो फॉर्म भरेगा वो आपको 25 रुपये चार्ज करेगा, ठीक है। ज़्यादा करेगा तो आप शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। 25 रुपये वो चार्ज करेगा, ठीक। इसके बाद में देखिए यहाँ पर ये अगर फीस का स्ट्रक्चर आपको समझ में नहीं आ रहा है, विषय का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऑनलाइन वाले से पूछ सकते हैं, वो भी आपको सही जानकारी दे देगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आगे क्या लिखा हुआ है। वर्ष 2023 की पूरक परीक्षा में किसी छात्र को बिना ऑनलाइन आवेदन भरे परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप अगर ये सोचें कि भाई मैंने फॉर्म नहीं भरा है क्या मैं परीक्षा दे सकता हूँ, नहीं दे सकते, आपको फॉर्म भरना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में यहां पर ये कुछ पाठ्यांकन क्रमांक ये कुछ दिया गया है, ये अपने काम का नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। ये आ गया है आपका टाइम टेबल, ठीक है। टाइम टेबल को ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि इसी टाइम टेबल के अनुसार आपकी जो परीक्षा है वो होगी, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है पूरक परीक्षा कार्यक्रम 2023 आपका जो टाइमिंग रहेगा वो कितना रहेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनका टाइमिंग रहेगा 9 बजे से 12 बजे तक, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 9 बजे से 12 बजे के बीच में होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर विषय देख लेते हैं भैया कितनी तारीख को कौन से विषय का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया गया है
परीक्षा का दिन सोमवार, ठीक है, परीक्षा का दिन क्या है सोमवार, 17 तारीख 17/7/2023 को, ठीक है, यहां पर 17/7 मतलब ये क्या है जून में नहीं जुलाई में होगा ये पेपर, ठीक है, हायर सेकेंडरी परीक्षा के समस्त विषय जो है वो सोमवार को आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हायर सेकेंडरी का है मतलब कि, और ये हाई स्कूल का है नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इसका टाइमिंग जो है ये भी आपका 9 बजे से 12 बजे तक होगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखो हाई स्कूल का जो है वो आपका रहेगा, देखिए मंगलवार को यहाँ पर 18/7/2023 को हिंदी का पेपर होगा, बुधवार 19/7/2023 को गणित का पेपर होगा, इसके बाद में यहाँ पर गुरुवार को आपका दिया गया है 20/7/2023 को उर्दू वालों का पेपर होगा, शुक्रवार 21/7/2023 को सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा, और शनिवार को यहाँ पर 22/7/2023 विज्ञान का पेपर होगा, इसके बाद में सोमवार 24/7/2023 को अंग्रेजी का पेपर होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मंगलवार 25/7/2023 को संस्कृत का होगा, बुधवार को 26/7/2023 मराठी गुजराती पंजाबी सिंधी इन सभी का पेपर हो जाएगा, इसके बाद में गुरुवार को 27/7/2023 को नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के विषयों का पेपर होगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ निर्देश आपको दिए गए हैं, निर्देश जो है पहले यहाँ पर देखिए प्रायोगिक परीक्षा विषय में पूरक पात्र छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा जो है उसी दिन प्रातः सैद्धांतिक प्रश्न पत्र संपन्न होगा, ठीक है। इसके बाद में मंडल तिथि एवं समय में विशेष परिस्थिति में आवश्यक होने पर परिवर्तन कर सकेगा, पूरक के पात्र उन्हीं छात्रों को प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा जिन्होंने नियत तिथि के पूर्व ऑनलाइन पर फॉर्म जमा किया होगा, ठीक है। ये जो रोल नंबर है इसका जो रोल नंबर निकलेगा वो तभी निकलेगा जब आपने यहाँ पर फॉर्म भरा होगा, तब तक ये नहीं निकलेगा, ठीक है। बाद में जो वोकेशनल कोर्स हैं उनका यहाँ पर जो है सप्लीमेंट्री का एग्जाम का टाइम टेबल दिया गया है, इसका टाइमिंग भी 9 बजे से 12 बजे तक होगा, यहाँ पर ये टाइम टेबल दिया हुआ है, मंगलवार 18/7/2023 को हिंदी का होगा, बुधवार को 19/7/2023 को अंग्रेजी का होगा, गुरुवार को 20/7/2023 वोकेशनल कोर्स व्यावसायिक पाठ्यक्रम, ये आपको दिया गया है, ये ज़्यादातर कोई यूज़ नहीं करता है, लेकिन अगर आपने किया हो तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसका जो PDF है वो मैं डाउनलोड करने का तरीका आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है देखिए, सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे, गूगल पे आपको क्या लिखना है देखिए मैं बता देता हूँ, गूगल पे आप लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे MPBSE इतना लिखेंगे और इसको सर्च करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट नंबर की जो वेबसाइट है उस पर क्लिक कर देना है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जाना है कहां पर, आपको जाना है टाइम टेबल पर, ठीक है। जैसे ही आप टाइम टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको आ जाएगा वर्ष 2023 की हायर सेकेंडरी हाई स्कूल पूरक परीक्षा का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और इस पर जो है ये जो है आपका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन खुल जाएगा, यहां से आप इसको अच्छे से डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी, अगर जानकारी अच्छी लगी है, समझाने का तरीका अच्छा लगा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और सबसे पहले वीडियो आपके पास ही पहुंचेगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।